मेरा नाम चंदना बैनर्जी है और आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ बच्चों के होम स्कूलिंग के बारे में। मेरा बेटा क्लास 2 में है और पिछले 2 साल से मैं उसे होम स्कूल करती हूँ। हमने होम स्कूल कोविड लॉकडाउन के बहुत पहले शुरू किया था और हमारे रीजंस कुछ और थे, लेकिन अभी जब सारे स्कूल्स बंद है, मैंने नोटिस किया है कि काफ़ी मम्मियों को थोड़ी दिक्कत हो रही है होम स्कूलिंग में, राइट? बच्चे सारा दिन घर पे हैं, वो पढ़ना नहीं चाहते हैं और उनको काफ़ी बार बोल बोल के कंप्यूटर के सामने बिठाना पड़ता है एंड होमवर्क करवाना पड़ता है और आपको अपने लिए भी शायद टाइम नहीं ज़्यादा मिल रहा। तो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस, जो मेरे लिए 2 साल से मैंने काफ़ी कुछ ट्राई किया है और कुछ चीज़ें सक्सेसफुल हुई और कुछ नहीं। सो ये कुछ सिंपल आदतें हैं जो हमने अपने होम स्कूल में इनकॉर्पोरेट किया और उससे हमारा होम स्कूल काफ़ी स्ट्रीमलाइंड और ईजी बनता गया। सबसे पहला मेरा टिप है कि जो मैं अपने बेटे के साथ भी करती हूँ, सबसे पहले मुझे खुद मानना पड़ा कि मैं अपने बेटे को होम स्कूल करने वाली हूँ, कि मेरा बेटा 1 महीने या 2 महीने बाद स्कूल नहीं लौट रहा है। एक बार जब मैंने तय कर लिया कि मैं उसे होम स्कूल करने वाली हूँ, तो मेरे लिए पूरा प्रोसेस बहुत ईजी हुआ। उसके पहले जब मुझे लगता था कि अरे अब तो वो वापस स्कूल जाएगा या अगले पोस्टिंग में हम उसे अच्छे स्कूल में डालेंगे, तो मुझे बस लगता था कि बस किसी तरह से मैं ये कुछ महीने काट लूँ और फिर वो स्कूल में रहेगा और मुझे अपना पूरा टाइम मिलेगा। उससे ये होता था कि मुझे होम स्कूलिंग जो था थोड़ा बोझ लगने लगा था। लेकिन जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, वो चाहे 1 साल बाद स्कूल जाए या 2 साल बाद या कभी ना जाए, पूरी टिल कॉलेज वो होम स्कूल हुए, अगर मैं उसे पढ़ाने वाली हूँ तो मुझे भी उसका साथ देना है, उसे भी मेरा साथ देना है। जब मैंने वो डिसाइड किया, मैंने उसे समझाया और अभी भी समझाना पड़ता है, ये नहीं कि वो मेरी बात रोज़ सुनता है, लेकिन जब मैंने ठान लिया कि मुझे होम स्कूलिंग करना है, तो मेरे लिए पूरा प्रोसेस बोझ नहीं, बट मुझे लगा कि ये भी एक मेरे लाइफ का पार्ट है, ये मेरे लाइफ का हिस्सा है। तो सबसे पहले आप भी अगर चाहें तो सबसे पहले खुद रियलाइज़ कीजिए कि और ठान लीजिए कि आपको अभी कुछ महीने एटलीस्ट होम स्कूल करना है और स्कूल से होमवर्क घर पे आएगा, आपको बच्चों को समझा के बिठाना है और यही ज़िंदगी रहने वाली है अगले कुछ महीने। दूसरा है एक रूटीन सेट करना। मेरा बेटा जैसे 7:30 से 8 बजे के बीच में उठता है और उसके बाद उठ के फटाफट चेंज करता है, नहाता है, थोड़ी देर खेल के नाश्ता करके फिर पढ़ने बैठता है। आप भी एक सिंपल रूटीन रखिए, जैसे आप स्कूल के टाइम रूटीन रखते थे कि बस आने वाला है, उनको स्कूल जाना है, वैसे ही एक टाइम सेट कीजिए जब उन्हें उठना है। ज़रूरी नहीं कि आप रोज़ उन्हें अलार्म लगा के डांट के उठाइए, लेकिन अगर आप बच्चों को समझाइए कि जैसे स्कूल है वैसा ही अभी घर पे स्कूल है, आप ये फॉलो कीजिए, तो इससे काफ़ी हेल्प होता है। एक सर्टेन टाइम रखिए जब बच्चे उठेंगे, उठ के ब्रश करेंगे, नहाएंगे, फ्रेश कपड़े पहनेंगे। पजामे में स्कूलिंग अच्छी नहीं होती, सो फ्रेश कपड़े पहनेंगे और उसके बाद नाश्ते के लिए बैठेंगे, कुछ हेल्दी खाएंगे और थोड़ा पढ़ने बैठने के पहले थोड़ा टाइम वो अपने खेलने में लगाएंगे। जब बच्चे थोड़ा टाइम खुद खेलते हैं पढ़ने के पहले, तो वो फ्रेश हो जाते हैं और उनको फिर आप जो भी पढ़ाएंगे वो कॉन्सेंट्रेशन से पढ़ पाते हैं। उसके बाद जब हम पढ़ने बैठते हैं हमारे घर में, तो हमने एक जगह फिक्स की है जहाँ हम किताबें रखते हैं, एक स्कूल बैग भी है जिसमें हम बुक सेट करके रखते हैं, जैसे स्कूल में करते हैं वैसे ही एक बैग है जिसमें हम बुक सेट करके रखते हैं, ताकि सुबह आधा घंटा 1 घंटा हमें नहीं लगे बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स ये ढूंढने में। और जब आप बैठेंगे तो उनको समझाइए, ये एक ऑनगोइंग डायलॉग रखिए घर में, एक बात करते रहिए बच्चों से। एंड शायद हर वक्त डांटने से बच्चे नहीं समझते हैं, एटलीस्ट मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि मैं जब रोज़ अपने बेटे से बात करती थी, उससे समझाती थी कि देखो पढ़ना, तुम अगर जितनी जल्दी पढ़ाई ख़त्म करोगे तुम्हें उतना खेलने को टाइम मिलेगा, अगर तुम लेट करोगे तो तुम्हें खुद वो खेलने का जो टाइम है तुम्हारा कम हो जाएगा, और अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगे रोज़ रोज़ और मैं मुझे बार बार गुस्सा आने लगेगा, तो शायद बाद में हम जो खुद
साथ में जो प्रोजेक्ट्स करते थे जैसे आर्ट एंड क्राफ्ट, पेंटिंग या कुछ बनाना या बेकिंग करना, साथ में जो भी चीज़ हम करते थे, फिर मुझे मन नहीं करेगा तुम्हारे साथ करने के लिए। तो टाइम लगेगा बच्चों को समझने में, लेकिन कोशिश जारी रखिए। और आप जो होम स्कूल जब बच्चे करने बैठेंगे उसके बाद जब उनके क्लासेस ख़त्म हो जाएंगे या उनके होमवर्क ख़त्म हो जाएगा, उनको फिर से खेलने का टाइम दीजिए। उन्हें बहुत टाइम दीजिए जब वो खुद खेल सकें या उनकी जो भी हॉबीज़ हैं वो उस पर टाइम स्पेंड कर सकें। जब बच्चे स्कूल पे रहते हैं तो उनको बहुत कम टाइम मिलता है। वो सुबह स्कूल में जाते हैं, फिर वापस आके अपनी हॉबी क्लासेस या ट्यूशन क्लासेस जाते हैं और फिर आके होमवर्क करते हैं, तो खेलने का शायद उनको एक डेढ़ घंटा भी शायद नहीं मिलता। अब जब उनके पास टाइम है तो उसका पूरा उपयोग कीजिए, पढ़ाई भी कीजिए लेकिन टाइम रखिए खेलने के लिए और उनकी हॉबीज़ के लिए। जब ये बैलेंस बना रहेगा और रूटीन भी रहेगा तो बच्चे होम स्कूल अपना घर पे पढ़ना एंजॉय करेंगे और आप भी उनको होम स्कूल करना एंजॉय करोगे। मेरे तो एक्सपीरियंस में यही काम आया है। आई होप ये टिप्स आपको भी हेल्प करें। और कुछ आपके अगर क्वेश्चंस हों तो आप ज़रूर मुझे कांटेक्ट कीजिए या मुझे वो क्वेश्चंस भेजिए और मैं कोशिश करूँगी आपको आपके होम स्कूलिंग जर्नी में हेल्प करने की। फिर मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।